नमस्कार, मैं हूँ हिमांशी। आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। पिछले वीडियो में हमने बात की मेघालय विधानसभा के चुनावी इतिहास और चुनाव के समीकरणों पर। साथ ही हमने आपको बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्य मुद्दे क्या होंगे जिसके आधार पर जनता वोट तय करेगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेघालय में भाजपा किन कार्यों के बल पर आत्मविश्वास में नजर आ रही है। वर्ष 2014 के बाद से ही पूर्वोत्तर राज्यों में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला। वहां भाजपा का जनाधार बढ़ने लगा। वर्ष 2016 तक भाजपा 8 पूर्वोत्तर राज्यों में से कहीं भी सरकार नहीं बना पाई थी, लेकिन आज 8 में से 6 राज्यों में भाजपा सत्ता में है। यह रुझान सिर्फ विधानसभा तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि आम चुनाव में भी भाजपा अप्रत्याशी तरीके से आगे बढ़ी। वर्ष 2014 में भाजपा ने पूर्वोत्तर में महज 32% लोकसभा सीटें जीती थी। वहीं 2019 में ये आंकड़ा 56% पहुंच गया। जातीय, धार्मिक एवं भाषाई विविधता होने के बाद भी भाजपा का पूर्वोत्तर में सफल होना सभी राजनीतिक पंडितों के लिए एक बड़ा संदेश था। लेकिन भाजपा ने ये सब कैसे किया और आगे कैसे ये भाजपा को मदद करने वाला है? दरअसल केंद्र में भाजपा ने सरकार में आते ही पूर्वोत्तर को प्राथमिकता में रखा। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र सरकार की कई योजनाएं चलाई गईं। नेशनल कैपिटल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट एवं पीएम डिवाइन योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से लेकर रेलवे कनेक्टिविटी और राजमार्गों पर हजारों करोड़ों की योजनाएं बनी और इम्प्लीमेंट की गई। राजमार्गों से लेकर देश की सबसे लंबी सुरंग तक पूर्वोत्तर के राज्यों में बनाए जा रहे हैं। शायद इसलिए हाल में गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में कहा था कि पूर्वोत्तर में असली भारत जोड़ो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। इस बात को अधिक बल तब मिलता है जब आंकड़े बताते हैं कि पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी 50 से अधिक बार उत्तर पूर्व आ चुके हैं। उनसे पहले किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट का इतनी बार दौरा नहीं किया। पिछले महीने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेघालय के दौरे पर थे, जहां उन्होंने 4 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी जो मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरेंगे। साथ ही मेघालय में टेलीकॉम कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए राज्य को 4G टावर समर्पित किए थे। वहीं स्पोर्ट्स को लेकर भी केंद्र सरकार ने नई अप्रोच दिखाई, जिसका लाभ नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को हुआ है। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट में बनाई गई। इस दौर के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा, हम नॉर्थ ईस्ट में विवादों के बॉर्डर नहीं, विकास के कॉरिडोर बना रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में हम विवादों के बॉर्डर नहीं, बल्कि विकास के कॉरिडोर बना रहे हैं, उस पर बल दे रहे हैं। मेघालय चुनाव में विकास सबसे महत्वपूर्ण पहलू तो है ही, लेकिन इसके साथ ही शांति स्थापना भी एक बड़ा मुद्दा है। अगर हम 8 साल पहले के पूर्वोत्तर और आज के पूर्वोत्तर की तुलना करें तो हम पाते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों के कई जिले AFSPA मुक्त हुए, उग्रवाद में कमी आई है। कई लोग जो उग्रवाद की तरफ मुड़ गए थे वो अब मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं। उग्रवाद की घटनाओं में 70% से ज्यादा की कमी आई है। सुरक्षा कर्मियों पर हमलों की घटनाओं में 60% की कमी आई है। जहां तक नागरिक मौतों का संबंध है, ये 90% कम हो गई है। और लगभग 8000 युवाओं ने उग्रवाद का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आत्मसमर्पण किया है। पूर्वोत्तर को साउथ एशिया का मुख्य केंद्र बनाने का प्रयास भाजपा को इन चुनावों में मदद दे सकता है। मेघालय में भाजपा के पास पाने के लिए काफी स्कोप है। गठबंधन सरकार में रही NPP अब अकेले ही चुनाव लड़ रही है, जिसे एंटी इनकम्बेंसी के चलते नुकसान होने की संभावना है। कांग्रेस जहां अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, वहीं दल बदल से मुक्त विपक्ष बनी तृणमूल कांग्रेस के पास हिंसा के अलावा कोई रास्ता नहीं नजर आता। गुरुवार 9 फरवरी को हिंसा के एक मामले में तृणमूल के 30 से अधिक कार्यकर्ता गिरफ्तार हो चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस शायद सिर्फ कांग्रेस के बचे हुए वोट काटने तक ही सीमित रहेगी, लेकिन इस चुनाव में सारी निगाहें भाजपा पर रहने वाली है। भाजपा 2 सीट से कितना आगे बढ़ पाती है, ये तो 2 मार्च को ही तय होगा। तब तक के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।